लग रही है। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम खान है, मैं जोमेटो में काम करता हूँ और मेरे पास जो है मल्टी ऑर्डर लगा हुआ था। मल्टी ऑर्डर लगा होने की वजह से जो कस्टमर थे उनका कॉल आया मेरे पास कि आप जो है डिलीवर मेरा ऑर्डर कब तक कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर 30 मिनट लग जाएगा, लगभग कम से कम डिलीवर होने में। तो उन्होंने कहा सर ऐसा करिए आप मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। तो मैंने कहा कैंसिल सर मैं नहीं कर सकता अपने एंड से, आप अपने ही तरफ से करिए कैंसिल। तो वो कहने लगे सर मैं आपकी शिकायत जो है जोमेटो में कर दूंगा। तो जोमेटो में मैंने कहा सर जहाँ मर्जी आप कर दीजिए शिकायत, मुझे कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं तो ऑर्डर पिकअप कर ही रहा था कि मैंने मुझे पहला पिकअप किया फिर दूसरा पिकअप किया, उसके बाद उन्होंने वो कॉल रख दी कि ठीक है आप आ जाइए। तो मैं जब ऑर्डर लेकर के वहाँ पहुँचा उनको कॉल किया जा करके और वो अपने बालकनी से बाहर आया, उन्होंने देखा उसके बाद बोला ऊपर आ जाइए मैं खाना खा रहा हूँ और मेरे हाथ गंदे हैं चप्पल नहीं पहना हूँ। मैंने कहा ठीक है सर ओके मैं ऊपर पकड़ा देता हूँ। तो जैसे ही मैं ऊपर लेकर के खाना गया तो मुझे उन लोगों ने क्या किया, मैं नीचे देखा कि मैंने बोला कमरे के अंदर ले दो आप ऑर्डर, कमरे के अंदर जाऊँ। मैं बोला मैं कमरे के अंदर नहीं जाऊँगा ऑर्डर लेकर के, ठीक है। तो वो जैसे ही मैं नीचे आने लगा फौरन तो उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया मैं कि तू कैसी बात कर रहा था, कैसे मेरे साथ बिहेव कर रहा था, आपकी भाषा अच्छी नहीं थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे साथ किया। उसके बाद फिर उसमें से एक मुझे मारने लगा, उसके बाद फिर तीनों लोग मतलब और जो चार लोग थे, तीन लोग थे, नाम अभिषेक था एक का। नहीं आपका नाम पूछा? मेरा नाम पूछा बाद में, कि पहले मुझे मारा वारा, उसके बाद में जब कमरे में लेके गया उसके बाद फिर मेरा नाम पूछा सारा चीज़ें। पहले बहुत मारा, उसके बाद में मुझे चोट के निशान निशान भी आए हैं, सर पे हेलमेट मार दिया। उसके बाद फिर वो लोग चारों लोगों ने कहा मुझे अंदर चले कमरे में, तो मैं फिर अंदर चला गया कमरे के अंदर बैठ गया। तो उसके बाद फिर उसने मेरे ऊपर क्या किया, उसने शराब का भरा हुआ गिलास जो है मेरे ऊपर फेंक दिया और उसके बोला दूसरा वाला कि इसको आग लगा दे। नाम पूछने से पहले शराब फेंका था? नहीं नाम पूछने के बाद, यानी कि सारा सब कुछ जो है नाम पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, नाम बता पहले पूरा तरीके से नाम बता। मैं बोला पहले मैंने उसको दूसरा नाम बताया अपनी अगर सेफ्टी के लिए कि चले देखे हो सकते। तो उसने बोला सही नाम बता सर, जल्दी सही नाम बताओ वरना तलाशी ले करके तेरा चेक करूँगा, आधार और पैन कार्ड वगैरह सब चेक करूँगा। तो मैंने फिर बोल दिया कि हाँ असलम नाम है, ठीक है सर। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या मेरे पास शराब फेंकी और माचिस से मतलब बोले इसको पहले को जला देता हूँ। तो दूसरा बोला नहीं गर्म पानी करके इसके ऊपर डालता हूँ ताकि सही रहेगा कोई एसिड मिला करके। तो वो उसके बाद बोला नहीं नहीं ऐसा करते हैं इसको लास्ट में कर दिया साले को गोली मार के निकल सकते हैं उसका अच्छा होगा सबसे बेहतर होगा ये। तो मुझे बारी बारी से गालियाँ दे रहे हैं, कटुआ बोल रहे हैं, साला कटुआ कहीं का ये वो मुस्लिम नाम के मतलब की होने की वजह से मुझे और ज़्यादा मतलब प्रताड़ित कर रहे थे वो लोग। तो ये चीज़ें थी और मेरे से एक एप्लीकेशन लिखा के रखा कि आप यहाँ पर आए थे, मेरे से पैसा ज़्यादा मांगा और मेरे से मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग किया सारी चीज़ें, और इन्होंने मतलब ज़्यादा पैसे मुझे आपने आपके अकाउंट में मैंने दिए ये सारी चीज़ें। तो मेरा एड्रेस आधार नंबर पैन कार्ड सारी चीज़ें उन्होंने मेरे से ली। उसके बाद फिर जा कर के मुझे फिर भी वहाँ पर बिठा के रखा, मैं उनके हाथ जोड़ना सर मुझे जाने दीजिए पैर ही पकड़ना, मैंने सर जाने दीजिए मैंने ऐसा क्या किया आपके साथ, कौन सा ऐसी गलती कर दी आप मुझे इस तरह से कर रहे हैं टॉर्चर कर रहे हैं। तो वो कुछ सुन नहीं रहे मतलब गालियाँ दे रहे हैं चारों के चारों मतलब एक के बारी बारी से सवाल पूछ रहे हैं बस मुझसे। कितनी देर तक ये पूरा घटना चलता रहा क्या कर? लगभग 1 से 1.5 घंटा ये वहाँ पर मैं रुका आपको बैठाए रखा जी। अच्छा मतलब एक बंधक बना लिया था? बंधक बना कर रखा हुआ पूरा, एक बरामदा था उसके बाद एक कमरा था उसके अंदर था। मैं शोर भी करता तो मेरी आवाज़ भी बाहर नहीं जाने वाली थी, कुछ नहीं हो रहा था मतलब अंदर में बैठा था चुपचाप क्या करता, मैं एक असहाय था इंसान यानी कि चुपचाप बैठा जो बोल रहा वो मैं कर रहा बस। कितने दिन इस घटना को हो गए? रक्षाबंधन की रात में ये घटना हुई। अभी भी क्या आप डर महसूस कर रहे हो कुछ ऐसा? हाँ अभी ये सेफ्टी रिलेटेड मुझे डर रहता है कि जो उनके पास मेरा मतलब पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर है, मेरे घर का एड्रेस है, तो इस वजह से मुझे सेफ्टी रहता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे उस पर्पज़ से थोड़ा सा कि सेफ्टी मिले कि मेरा, क्योंकि उनके पास सारा चीज़ें हैं अवेलेबल है इसलिए। FIR आपने करा दी, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने कहा कि आप बेफिक्र रहें आपका पूरा सहयोग किया जाएगा और उसमें से एक आदमी पकड़ा भी गया है, बाकी तीन अभी नहीं पकड़े गए हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस से या मुख्यमंत्री से क्या कहें? अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस और मुख्यमंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि सर जिस तरह से लोगों की आप सुरक्षा ये करते हैं कि मेरी मतलब राज्य में सारे लोग सुरक्षित रहेंगे, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी उसी तरह से आप मुझे सुरक्षा दें। मैं चाहता हूँ कि सर से यही कहना है कि मुझे उस तरह की सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें। नहीं वो मतलब मैं चाहता हूँ कि सर मेरे तरफ खाली मुझे सुरक्षा चाहिए, सर से मुझे ये गुहार है कि मुझे एक सुरक्षा की नज़र से मतलब मैं खाली डरा हूँ
क्या अभी इस काम को आप करना चाहेंगे, जोमेटो का के काम को आगे करना चाहेंगे, या कोई डर महसूस कर रहे हैं? सर अभी डर है मुझे इस बात का कि मैं रात में जाऊंगा, मतलब वही डर है कि मुझे रात में जाऊं, मुझे मेरा एड्रेस सारी चीज़ें उन लोगों के पास, हर चीज़ें फ़ोटो भी है, मुझे फ़ोटो भी लिया था इन लोगों ने, तो मुझे किसी दे करके किसी को रास्ते में पकड़वा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, तो इस वजह से मुझे वो डर है सबसे। घटना के बाद से आप काम कर रहे हो या अभी नहीं? नहीं अभी नहीं, घटना के बाद से मैं काम कर लिया। लेकिन इस पर विचार करना बेहद जरूरी है। जरा सोचिए देश में रहने वालों की मानसिकता कितनी बद से बदतर होती चली गई, जहां नाम पूछा गया, व्यक्ति मुस्लिम निकला और ऑर्डर कैंसिल करने को बोला तो इसके साथ बर्बरता की गई। ना तो समाज में इंसानियत बची है और ना ही अच्छी सोच, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आए दिन ऐसे केस हमारे सामने आते रहेंगे, जिस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है और समझने की भी जरूरत है कि आखिर देश में ये चल क्या रहा है। आए दिन कोई भी किसी को पकड़ करके यूं इतनी बेदर्दी से मारना शुरू कर देता है, ना तो कानून का खौफ है और ना ही किसी प्रकार का डर।